चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो एक्टिविटी है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो आपके पास ये है मैग्नेट्स और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करने के लिए हैं, आपके पास है आयरन फिलिंग्स। ये एक वाइट शीट है जिसके ऊपर हमें आसानी से दिख जाएंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज आयरन फिलिंग्स। सो व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस क्रिएट करने के लिए मैं दो नोटबुक्स यूज कर रहा हूं और उनके नीचे ही मैं रख रहा हूं आपके लिए मैग्नेटिक। अब आपके पास एक व्हाइट शीट है और मैंने इस व्हाइट शीट के नीचे रख दिया है आपका एक सिमिलर मैग्नेट। अब आपका छोटा सा सिंपल काम क्या है, जस्ट हैव टू स्प्रिंकल, आपने छिड़क देनी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए ये आयरन फिलिंग्स इस पेज पे जस्ट अबव द सरफेस। यहां पे आपने मैग्नेट रखा है, मैंने मैग्नेट इस गैप के बीच में रखा हुआ है। और ये बुक्स क्यों रखी हैं, ताकि मेरा पेपर जो है वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करे और हमें अच्छी तरह से व्यू हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस सरफेस में, इस जगह पे मैंने फील्ड लाइंस हम देखेंगे। ये देखिए, मैंने स्प्रिंकल किया यहां पे, स्प्रिंकल जिस तरह से मैं कर रहा हूं ऑन बोथ साइड्स वेयर देयर इज, ध्यान से देखिएगा, मैं इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं यहां फील्ड लाइंस, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं वापस आपको दिखा सकता हूं, यहां पे आपको सबको ये दिखाई दे रही हैं, ये आयरन फिलिंग्स हैं आपके पास, ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये आयरन के पीसेस हैं आपके पास। यहां देखिए, ये देखिए, ये आयरन के पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हीं को फिर से स्प्रिंकल करने लगा हूं बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, आपको ये कर्व फॉर्मेशंस में दिख रही हैं। यहां मैग्नेट होने के कारण जिस जगह पे मैग्नेटिक पोल्स हैं वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। आप ध्यान से देखिएगा और यहां देखिएगा, ये मेरे फैंगले से नहीं, आपको कर्व्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये भाई, ये जो कर्व्ड लाइंस आपको यहां दिखाई दे रही हैं, ये देखिए यहां पे ये कर्व लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये जस्ट सिंपली व्हाट, दीज आर द हाइपोथेटिकल पार्ट्स व्हिच आर देयर एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, आप इनको ज्यादा डेंसिटी कर सकते हैं, ये देखिए, आपको क्लियरली ये ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हम देखते हैं क्या पोल्स पे इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है भाई, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे देखिए कितनी फील्ड लाइंस है, जिस तरह से जा रहे हैं इनके बीच का गैप ज्यादा हो रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम एक सिंगल मैग्नेट को लेके देखते हैं क्या उसके आगे पीछे इसी तरह से फील्ड लाइंस बनती हैं। मैं आपको यहां पे क्लेरिफाई कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास आयरन फिलिंग्स हैं, मैं इन आयरन फिलिंग्स के पास एक नॉर्थ पोल ले जाऊंगा अपने इस मैग्नेट का। यहां पे देखिए, यहां पे क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं, ये देखिए, ये फील्ड लाइंस की फॉर्मेशंस बन रही हैं जो आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस थे, इस तरह से बाहर आ रहे हैं। मैं इसको फील पूरे मैग्नेट को यहां रख दूंगा। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आयरन फिलिंग्स हैं, दे आर जस्ट कहां बन रही हैं वो आपके पास, वो सबसे ज्यादा बन रही हैं ऑन द पोल्स। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, एट द पोल्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम।